हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं और यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर है जो इसमें सारे के सारे सेंटेंस हैं आपके रॉन्ग हैं। तो आज हमें करना है यहाँ पर जो सेंटेंस रॉन्ग हैं उन्हें करेक्ट। तो यहाँ पर है करेक्ट द फॉलोइंग। तो पहला सेंटेंस है 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये पहला सेंटेंस है और इसमें आपको बताना है कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि 10 miles से हालांकि दिखने में प्लूरल है लेकिन जब इसका प्रयोग एक यूनिट की तरह किया जाता है तो यह सिंगुलर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आर का यूज किया गया था, आर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर जो प्रेडिकेट है ये भी दोस्तों कैसा है, सिंगुलर प्रेडिकेट है। ओके नेक्स्ट है दोस्तों सेंटेंस दूसरा, आई वॉन्ट टू पेयर्स ऑफ वाइट शूज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या मिस्टेक है कि सेंटेंस है आई वॉन्ट टू पेयर्स ऑफ वाइट शूज। तो यहाँ पर जो पेयर वर्ड है दोस्तों, यहाँ पर पेयर में से आपको एस को अमिट करना होगा, टू पेयर होगा ऑफ वाइट शूज, ये करेक्ट होगा यहाँ पर सेंटेंस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थ्री, एंड सेंटेंस नंबर थ्री में है द चेयर्स लेग आर ब्रोकन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस रॉन्ग है दोस्तों वो किस तरह से है कि ये जो लिखा हुआ है द चेयर्स लेग, अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, इसके स्थान पर हमें लिखना होगा द लेग ऑफ द चेयर, ये सेंटेंस हो गया दोस्तों करेक्ट। ठीक है, और यहां पर लेग्स को प्लूरल बना देते हैं तो आर करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर, एंड सेंटेंस नंबर फोर है रामबाज ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो यहां पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो वर्ड्स वर्ड है ना, यहाँ पर ये प्लूरल नहीं होगा, वर्ड्स यहाँ पर सिंगुलर रहेगा, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस सेंटेंस नंबर फाइव, गुड नाइट आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। यहाँ पे दोस्तों जो रॉन्ग है वो क्या है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, उससे क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ये यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। जब हम किसी से डिपार्टिंग लेते हैं, विदा लेते हैं, तो हमें गुड नाइट शाम के समय हम उससे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिक्स, एंड सेंटेंस नंबर सिक्स है वी शुड हेल्प द पुअर्स। तो इस सेंटेंस में क्या है कि जो द पुअर्स है ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है ना, पुअर क्या होता है एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप यदि द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे तो ये पूरी होल कम्युनिटी को बताने लगता है। ठीक है, तो पुअर को हमें प्लूरल नहीं बनाना है, द पुअर मींस ही होता है पुअर पीपल। तो यहाँ पे जो राउंड था जो पुअर जो एडजेक्टिव है इसको हमें हटाना होगा, अब ये पूरा नाउन बन गया है द पुअर, यानी द पुअर पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर सेवन, वन ऑफ हिज सन इज ए टीचर। तो इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है देख लेते हैं। देखिए जब भी हमारा सेंटेंस ये वन ऑफ हिज सन है यानी वन से स्टार्ट हो तो इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि उसके लड़कों में से एक कौन है, टीचर है, यानी लड़का एक से ज्यादा हो रहा तभी तो हम एक की बात करेंगे, है ना। तो यहां पर वन ऑफ के बाद जो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वो हमेशा प्लूरल प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर एट, सेंटेंस नंबर एट है आई बॉट माई फर्नीचर बाई गुड्स ट्रेन। ओके अब देखते हैं सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक हुई। इस सेंटेंस में दोस्तों नाउन की मिस्टेक है, आई बॉट माई फर्नीचर, जो फर्नीचर वर्ड है ये आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता इसलिए इसमें से हम क्या हटा देंगे, एस को ओमिट कर देंगे। गुड्स ट्रेन यानी कि सामान वाली ट्रेन, याद रखिए गुड्स मींस होता है सामान, ट्रेन आपकी होती है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर नाइन, एंड सेंटेंस नंबर नाइन है इज योर सीजर्स डल। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है कि जो आपका सीजर वर्ड है ये आपका प्लूरल वर्ड होता है हमेशा, और इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो भी प्रयोग कैसी की जाती है, प्लूरल ही प्रयोग की जाएगी। तो इस सेंटेंस में भी इस के स्थान पर आर का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर टेन, एंड सेंटेंस नंबर टेन है ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस हैव ब्रोकन, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस हैव ब्रोकन। तो यहां पर क्या है, ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स अभी मैंने आपको बताया कि आपका कैसा नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो फर्नीचर में से हमने एस को हटा दिया तो अब ये सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। आप भी कमेंट करके बताते जाइए कि आपको आपके इसमें कितने सेंटेंस करेक्ट होंगे, लास्ट में आप जरूर बता देना और साथ ही साथ आप भी कमेंट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11 एंड सेंटेंस नंबर 11 में है ए पोइट एंड राइटर आर डेड। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। देखिए ए पोइट एंड राइटर यानी यहां पर दो नाउन है एंड से जुड़े हैं और उससे पहले आपका ए आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वही व्यक्ति पोइट है वही व्यक्ति राइटर है। यदि हम यह राइटर से पहले इस तरह से लिख देते ए पोइट एंड ए राइटर तब यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। यदि हम इसमें से ये हटा दें तो वही व्यक्ति एक हो जाएगा, उसकी जो डिजाइनेशन या उसके लिए बोले जो पद हैं वो दो हो गए, यानी वही व्यक्ति पोइट वही व्यक्ति राइटर। तो व्यक्ति कितने हैं एक है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो आर के स्थान पर हमें यूज करना होगा इच। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12 मैथमेटिक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहां पर है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इधर है आपका ये प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट देखिए आपका सिंगुलर लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट भी कैसा है सिंगुलर। अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। तो यहां पर भी आपको आर के स्थान पर इसका प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13 एंड सेंटेंस नंबर 13 है रोहनस एंड मोहनस हाउस इज वेरी फार फार फ्रॉम हियर। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि जब दो नाउन में अपस्टॉप लगाना हो यानी पजेसिव बनाना हो तो लास्ट वाले को या पजेसिव बना दें तो यही दोनों का अर्थ हो जाएगा। तो यह आएगा रोहन एंड मोहनस हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर, तो इस तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 है द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स मीन्स होता है दोस्तों भाषाएं यानी लैंग्वेजेस। यदि अल्फाबेट में से हम एस हटा देते हैं तो इसका मीन्स होता है मात्राएं, तो ये करेक्ट होगा यहां पर क्योंकि टीचर हमें क्या सिखाता है मात्राएं सिखाता है। ठीक है तो द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट करेक्ट होगा, यहां से हमें एस को हटाना होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15 लिखा हुआ है प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुली। अब फेथफुली क्या है आपका, सबसे पहले देखें कि ये जो फेथफुल है ये क्या है, फेथफुल आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में यदि एलवाई लगा दें तो क्या बन जाएगा वो एडवर्ब बन जाता है। अब ये लिखा हुआ है आपका योर्स, योर्स मींस पजेसिव केस, तो पजेसिव केस के बाद नाउन आते हैं ना कि एडवर्ब आते हैं, हमें यहां से अपस्टॉप को हटाना होगा। अब ये करेक्ट होगा योर्स फेथफुली, दिस इज द राइट। ओके नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 एंड सेंटेंस नंबर 16 है देयर आर फोर ब्रेड्स इन द किचन। तो यहां पर हम देखिए कहां पर मिस्टेक हुई है, देयर आर फोर ब्रेड्स इन द किचन, जो ब्रेड आपका नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसे आप गिन नहीं सकते, तो ब्रेड में से तो हमें एस को हटाना होगा, फोर ब्रेड भी नहीं बोल सकते हम, इस तरह से कह सकते हैं फोर पीसेस या फोर लोब्स, फोर लोब्स ऑफ ब्रेड, ये करेक्ट होगा। देर आर फोर लॉब्स ऑफ ब्रेड इन द किचन, दिस इज द राइट, ये हो जाएगा आपका राइट। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17 वन शुड नॉट हेट द पुअर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है, ये जो द पुअर्स लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले यदि द लगा देते हैं तो बन जाता है नाउन, तो द पुअर मीन्स हो जाएगा पुअर पीपल, लेकिन हमें यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए यहां से इसे हटा देंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18 सी हैज कमिटेड नॉट वन बट मैनी मिसचीफ्स। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या मिस्टेक हुई, तो यहां पर जो आपका मैनी मिसचीफ्स लिखा हुआ है, मिसचीफ्स आपका सिंगुलर लिखें यानी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिखें और यहां पर आ जाएगा आपका मच, मच मिसचीफ्स, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 19 एंड सेंटेंस नंबर 19 है द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। तो यहां पर राउंड क्या हो रहा है आपका, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू, इनिंग जो वर्ड होता है इनिंग्स होता है नॉट इनिंग, द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20 देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। जब भी दोस्तों कोई चीज चारों तरफ से कवर हो यानी
चार डायमेंशन में हो, और उसके अंदर हम स्पेस की बात करें तो प्लेस का यूज नहीं किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है रूम। तो हम यहां पर बोलेंगे देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 21, एंड सेंटेंस नंबर 21 है देयर आर फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, फ्यू पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसे एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका एस हटा दिया जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट होगा देयर आर फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट। नेक्स्ट ही इज ए 60 ईयर्स ओल्ड मैन। इस सेंटेंस में देखते हैं कहां पर मिस्टेक हुई है, तो ये आपका है मैन, मैन क्या है, नाउन सिंगुलर है, इसके पहले ये ओल्ड लगा हुआ है। अब इसके पहले जो भी नाउन या एडजेक्टिव लगे हुए हैं वो सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे, इन्हें आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहां से हमें एस हटाना होगा ईयर में से, तब ये जाके करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट होगा ही इज ए 60 ईयर ओल्ड मैन, हाइफनेटेड वर्ड है तो हमें यहां पर हाइफन भी लगाना होगा। ओके नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्ट्रल्स वॉच। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका इनडायरेक्ट नरेशन में, आई आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्ट्रल्स वॉच। तो स्पेक्ट्रल जो वर्ड है वो है आपका प्लूरल वर्ड और इसके साथ आएगी आपकी प्लूरल ही वर्ब, तब ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24, एंड सेंटेंस नंबर 24 में ही सेड प्लीज गिव हिम एन आर्म। तो यहां पर ये रॉन्ग है वो ये है कि आर्म आपका इस तरह से लिखा जाएगा, आर्म्स होता है नॉट एन आर्म, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 25, सैलीज पोएट्रीज आर ग्रेट। बात हो रही है पी वी सैली की, काफी ग्रेट पोइट हैं ब्रिटेन के, एंड इनकी जो पोइट्री है काफी फेमस है। तो पोइट्री जो नाउन है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे प्लूरल नहीं बना सकते, तो हमें सीधा लिखना होगा सैलीज पोइट्री इज ग्रेट, इस तरह से यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26, आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी इन काश्मीर लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है दोस्तों वो रॉन्ग कहाँ पर हो गया, सीनरी जो आपका नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, और सीन आपका काउंटेबल होता है उसे आप प्लूरल बना सकते हैं, तो सीनरी यहाँ पर हो रहा नॉट सीनरीज। और ये नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 27, एंड सेंटेंस नंबर 27 है ही हैड परचेज्ड न्यू मशीनरीज। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ मशीनरी है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मशीनरी को आप प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हम आई एस हटा दिए यहाँ पर मशीनरी लिख देंगे। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 28, एंड सेंटेंस नंबर 28 है ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। तो इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसमें से हमको, और यहाँ पर भी हमें ये हटाना होगा मैनी, यहाँ पर यूज किया जाएगा मच, है ना, तब जाके करेक्ट होगा। तो ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 29, एंड सेंटेंस नंबर 29 है सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाई द आर्मी। याद रखिए रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जब भी कोई दो नाउन एक प्रपोजिशन के बाद फिर वही सेम नाउन आए तो यहां पर हमें इन्हें सिंगुलर लिखते हैं, सिटी आफ्टर सिटी होगा, और यहां पे जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाएगी आपकी सिंगुलर, तो ये हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड बाई द आर्मी। इन द सेम वे हावर्स आफ्टर हावर्स आर पास्ट। तो यहां पर भी वही होगा कि हावर आफ्टर हावर होगा नॉट आवर्स, और यहाँ पर वर्ब यूज किया है वो होगी सिंगुलर वर्ब। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।